बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई कर रहे थे, एमबीए करने की चाह थी, अपने लाइफ में मैनेजमेंट के मास्टर बनना चाहते थे, वो एमबीए इनको कहाँ लेके जाता ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इनको आरसीएल मिला और आरसीएल ने जब ये काम करना शुरू किए, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए, तो दोस्तों आज ये रूपी के मुकाम पे है। और हम आपको बता दें कि इनका जो सालाना टर्नओवर बिजनेस का होता है वो 50 करोड़ से ऊपर का। करना क्या है, ये जो लाख और करोड़ की बात होती है आरसीएल में, उसके लिए करना क्या होता है, दो काम, पहला खाना और दूसरा बताना, तीसरा कोई काम ही नहीं, पहला और दूसरा, लेकिन दोनों काम में ईमानदारी चाहिए। बिना ईमानदारी के आप इस लेवल पर सोच के देखिए, हर कोई खाता है, हर कोई बताता है, लेकिन हर कोई यहां आता है क्या, नहीं आता। कौन आता है, जो आरसीएम खाता है और आरसीएम बताता है, वही ऐसे बड़े बड़े लेवल पे आता है। तो आप लोगों को भी आना है, तो पहला काम क्या करना है, इधर वाले के समझ में नहीं आ रहा, अरे इधर तो साउंड बदला है कि नहीं बदला, पहला काम क्या है और दूसरा क्या है, तैयार है? ऐसे ही बताते बताते हमारे जो दूसरे साथी हैं वो इस मुकाम पे आए हैं, फिर उनके बारे में हम बता दें, 15 बार बहाली में गए थे आईपीएस के। अच्छा आईपीएस का बहाली होता है किसका होता है, 15 बार बहाली के गए थे, 1 बार भी सेलेक्ट नहीं हुई, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में इस सिपाही के लायक भी नहीं थे। ये अपने आप को सोचते बेचारे, हम दुनिया के सबसे असफल व्यक्ति है, फिर आए इस सिस्टम में, इन्होंने सिस्टम पे भरोसा किया, अपने अप्लाई पे भरोसा किया, और हम आज आपको बता दें इनका 1 महीने का जो इनकम आता है आरसीएल बिजनेस से, उतना में 10 सिपाही का वेतन जाता है। आज 10 सिपाही के बराबर का वेतन वो लेते हैं, वो कोई और नहीं, आरा से विनोद कुमार सिंह, एक बार जोरदार आपका ताली और कहा जाता है सर, झूठने में तो कोई भी चल लेगा,
शेर तो वही है जो अकेले चल के दिखाए। तैयार है? ये अभी झुंड है जहां पे अभी आपकी आवाज नहीं निकल पा रही है, बाहर में कैसे निकाल पाएंगे? तैयार है? नाम सुरेश कुमार, पटना से हूँ, अभी रांची में रहता हूँ, स्टूडेंट था, अभी आरसी बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ सिस्टम को। सीखते हुए सिस्टम ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं आपसे में पैसे के लिए आया था, लेकिन ये सम्मान, ये शोहरत, ये सब कुछ आपसे बिजनेस ने दिया। मैसेज के रूप में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि ये सिस्टम जो आपसे डिमांड करती है उसको पूरा कीजिए। आपकी नौकरी जो आपसे डिमांड करती है आप उसको पूरा करते हैं, नौकरी से आपको सैलरी मिलता है। आप दुकान खोलते हैं, वहां पे आपका दुकान जो आपसे मांगता है उसको आप पूरा करते हैं, वो दुकान आपको इनकम देती है। मैं भी आपको कहना चाह रहा हूं, आरसीएम जो आपसे डिमांड करता है, आरसीएम को अगर आपने पूरा कर दिया तो ये आरसीएम बिजनेस आपके खानदान की रॉयल्टी को दिलवा देगा, कोई भी रोक नहीं सकता। तैयार है? पीढ़ियों की रॉयल्टी आपके पास आ सकती है, बस सिस्टम के डिमांड को पूरा कीजिए। सिस्टम का डिमांड क्या है? सिस्टम को फॉलो कीजिए। तैयार है? अपलाइन को सपोर्ट कीजिए अपने आप को। आप बाहर में इंजीनियर हो सकते हैं, आप बाहर में डॉक्टर हो सकते हैं, आप बाहर में बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन जब आपके बिजनेस में आए तो आपके लीडर, आपके पथ प्रदर्शक कोई और नहीं, आपके अपलाइन हो सकते हैं। वो अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, वो अपलाइन आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, वो अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, वो अपलाइन आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, वो अपलाइन महिला हो सकती है, वो अपलाइन पुरुष हो सकता है, कोई भी हो। आप अपने आप को अपलाइन को सपोर्ट कर दीजिए, आप ही वहां से उठ के यहां पर आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये पिन, ये लेवल अगर आज मेरे पास है तो ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। ये आज मेरी टीम में जितने भी अपलाइन आज मेरे पास है, विनोद सर यहाँ पे हम लोग के बीच मौजूद हैं, एक ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार तालियां दीपिका सर है यहाँ पे, और आरसीएम बिजनेस की मार्केटिंग प्लान मैंने जिनसे देखा, मैंने जिसके माध्यम से आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, मार्केटिंग प्लान मेरे जीवन में पहली बार जिन्होंने दिखाया, और कोई नहीं, वो शख्सियत हम लोग बीच मौजूद है, आदरणीय मंजीत सर और सुजीत सर, एक बार जोरदार तालियां हम लोगों के लिए। मैंने अपने आप को सपोर्ट कर दिया मंजीत सर और सुजीत सर को, सपोर्ट करने का देन है सर कि मैं वहां से उनके यहाँ पे आ गया। क्या आप भी आना चाहते हैं? तैयार है? तैयार है? तो एक शेर मुझे याद आ रहा, क्या आप सुनना चाहते हैं? एक शेर है कि अगर आप वहां से उनके यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आरसीएम से आसान कोई रास्ता भी नहीं है। यस, वो शेर किस तरीके से है सर कि हुआ ही क्या वो मुझे मिला नहीं, बगल ही सिर्फ कोई रास्ता तो नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार इस हॉल में आए हैं, जिनको लग रहा है मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता कोई नया नहीं। क्या पाना चाहते हैं? तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप भी बिल्कुल आ सकते हैं सर, अपने आप को अपलाइन के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय आर सिंह। धन्यवाद। जय आर सिंह। परिचय, विनोद सिंह, आरा से हूँ। 17 साल पहले आरसीएम बिजनेस में आने का मौका मिला और आना कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि बेरोजगारी से झेलते झेलते लग रहा था कि कोई भी काम मिले जिसको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो पैसे की सब जरूरत है। आरसीएम में आने के बाद लग रहा था कि आरसीएम बड़ा आसान है, करने से सारे लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन साथियों शुरुआती दौर में चूंकि आप आरसीएम को सीखे नहीं रहते हैं इसलिए आरसीएम आपको बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमको याद है कि एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने गए थे, वो 17 बार 17 बहाना बनाए, लेकिन 18वें बार उनकी ज्वाइनिंग हुई और तब लगने लगा कि यार आरसीएम आसान नहीं, और आरसीएम इसलिए नहीं करना था क्योंकि घरेलू बैकग्राउंड इतना खराब, बाबूजी खेती करते थे और एक ऐसा किसान जिसके पास कोई खेत भी नहीं होता था,
शादी भी हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जाने के लायक होने लगे थे और शुरुआती दौर में चूंकि आरसी में आपको काम ज्यादा करने पड़ते हैं, पैसे बहुत नहीं आते हैं, ये संघर्ष बड़ा कठोर होता है और आरसी में सैकड़ों लोग आते हैं, 90 लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए दम तोड़ देते हैं कि उनके पास बैक डोर होता है, पीछे से भागने का कोई जरिया होता है। और साथियों, मेरे पास पीछे भागने का कोई जरिया नहीं था, ये मेरा सबसे बड़ा कमी भी था और ये मेरा सबसे बड़ा मेरिट भी था। संघर्ष शुरू हुआ, लगातार काम करते गए, 400 रुपए का एक साइकिल से, और जैसा कि आपको बताया गया कि उसके पहले मैं जिस एरिया से हूं वहां कल्चर है कि लोग मैट्रिक पास करके पुलिस और सिपाही के भर्ती में जाते हैं और उसी में ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। मैं 17 बार नौकरी का प्रयास किया, सब कुछ होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी मेरे अंदर एक हलचल चल रहा था और मेरी प्लानिंग थी कोई भी काम मिल जाए तो फिर हम बता देंगे कि काम कैसे किया जाएगा। ये भूख आरसीए में जितना भी बड़ा बाधा आए रुकने नहीं दिया और इतने सपोर्ट वाले अपलाइन, चाहे वो शुरुआती दौर के अपलाइन हो या अभी वर्तमान में आपके सामने मंजीत सर हैं, सुजीत सर हैं, ये सारे अपलाइन का हमेशा खूब सहयोग रहा और मैं भी इनके बातों को ईमानदारी से सुनता था क्योंकि मेरे पास कोई अवसर नहीं। लोग लीडरशिप पर, रॉयल्टी पर आते नहीं और मोटरसाइकिल से आरसीएम करना चाहते हैं। हमको तो याद है कि हम रॉयल्टी पर आए तब साइकिल छोड़े थे। कई बार मंजीत सर जब आते थे मीटिंग लेने तो साइकिल हम दूसरे दुकान पर चुरा देते थे ताकि इनको दिखाई ना। ये संघर्ष था। आज इस बिजनेस में बड़ा शानदार मकान है, कार है, एसी कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार तो कई लोगों के पास होगा, उसके पास कार है जो व्यक्ति साइकिल भी नया खरीदने का औकात नहीं रखता और सम्मान का तो मत पूछिए। आज ही हजारों लोग गले मिले होंगे, हजारों लोग हाथ मिलाए होंगे, 3-4 हजार लोग आज ताली बजा रहे हैं। ये पावर है आरसी में। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ घर बनने लगा और भी कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए, घूमने का खूब सारा मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान, विदेश जाने का मौका मिला। जब मैं दुबई जा रहा था, हम और मंजीत सर थे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, हम लोग 6 घंटा रुके तो मैं सर को बोल रहा था कि सर वाकई इस तरह का दुनिया भी होता है। फिर अभी हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं तो साथियों क्या नहीं है यहां पर, वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। खूब पैसा, खूब सम्मान, खूब सारा सिक्योरिटी जो आप देखे और आने वाला जो फ्यूचर है वो यहीं पर है। इसीलिए आरसीएम करना चाहिए या आरसीएम नहीं करना चाहिए ये बताने का जरूरत नहीं है, आपको खुद डिसीजन लेना है। और अगला जो लक्ष्य है, मैं तीनों के लिए बड़ा तरसता हूं। मंजीत सर को देखने के बाद लगता है कि वो कौन सा लोग हैं जो इस बिजनेस के कोर टीम में होते हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल ऊपर से नहीं, इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो जो अंदर वही बाहर, तब आगे बढ़ेंगे। अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है तो फिर तीसरा कुछ और चलेगा। तो मेरा लक्ष्य है स्टार रूटिंग और जो लोग अपने साथ हैं इस बिजनेस में उनके लिए अभी भी उस लेवल तक, उस हद को पार करके काम करना कि जैसे मेरा शुरुआती दौर में संघर्ष था, उस संघर्ष से वो आगे निकले, बहुत आगे जाएं। और मैं पर्सनली सारे अपलाइनों को बहुत बहुत यहां तक लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं सारे अपलाइनों का आभारी हूं और पर्सनली मंजीत सर का सबसे ज्यादा। जय आरसीएम।